आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मीडिया के साथियों से देश भर के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप चार लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे।
थैंक यू। क्या आप मानते हैं कल जो वोट में नाम लिया गया उसी कड़ी में का हिस्सा है? देखिए ये बिल्कुल संभव है क्योंकि कल जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास डेढ़ साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है, तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था? इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को, अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। मैम एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, लेकिन अब सीएम जेल जा चुके हैं, ऐसे में जो मुलाकातियों की लिस्ट है उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं चाहे वो किसी फाइल का आगे बढ़ना तकनीकी कैसे होगा? क्या सरकार बर्खास्तगी की तरफ बढ़ रही है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आप लोग अदालत से किसी तरह की रेमेडीज मांगेंगे? देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर वन। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं इंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly. तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक SOP तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, यह तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यही असली कारण है। कल अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा ईडी ने, उन्होंने कहा हमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए। क्यों चाहिए आपको जुडिशियल कस्टडी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय ईडी ने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि इन्होंने हमने इतने समन्स भेजे और ये समन्स पर नहीं आए तो हम पूछताछ करने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अब 11 दिन की पूछताछ हो गई, आपने जो जानना था आपने जान लिया, अब आपको अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजना है? इसलिए भेजना है क्योंकि इस गिरफ्तारी के दो ही मकसद थे। इस गिरफ्तारी का पहला मकसद था
अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान कैंपेन करने से रोकना, और दूसरा मकसद था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिरा देना, राष्ट्रपति शासन लगाना और फिर चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। थैंक यू। जो बड़े एक्सपोजे की बात कल अपने एक्सपोज के जरिए आतिशी ने की थी, वो बात उन्होंने आज कह दी। बड़ा बयान आतिशी ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे करीबी हैं, मेरे एक नजदीकी है जिनके थ्रू मुझे अप्रोच किया गया कि या तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं वरना एक महीने के अंदर अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मेरे घर पर छापे मारेगी, ना केवल मेरे घर पर बल्कि मेरे करीबियों के घर पर भी छापे मारे जाएंगे और फिर मुझे अरेस्ट कर लेंगे। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि न सिर्फ मैं बल्कि सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, इन चारों को भी गिरफ्तार करने की प्लानिंग है बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने साथ साथ जिक्र कर दिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि हमें लगातार जो सेकंड लाइन है लीडरशिप की, पहली जो लाइन है वो तो ऑलरेडी अंदर है और ये एकमात्र मकसद है कि ये जो पॉपुलर सरकार चुनी गई है लोगों के द्वारा, दिल्ली की जनता के द्वारा, वो उस किसी तरह से गिरे। और दूसरा ये कि चूंकि चुनाव प्रचार का वक्त है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव जो है वो उसके लिए बाकायदा अपनी पार्टी की तरफ से बात ना कह पाए, वो चुनावी कैंपेन में शामिल ना हो पाए, तो ये मंशा है। ये बात उन्होंने कही और साथ ही साथ कहा कि बाकायदा उन्हें ऑफर एक तरह से आ रहा है, उन्हें अप्रोच किया जा रहा है कि वो या तो बीजेपी में शामिल हो जाएं या फिर उनके घर पर छापे पड़ेंगे ईडी के और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ना सिर्फ उन्हें अरेस्ट किया जाएगा बल्कि उनके अलावा दूसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज और साथ ही साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, इन सबको अरेस्ट किया जाएगा। और ये ठीक इलेक्शन के वक्त ये स्ट्रैटेजी एक बीजेपी ने की कि चोर दरवाजे के अंदर वो फिर सरकार बना लें दिल्ली के अंदर। ये बड़ी बात जो कहते थे मैं देश की आजादी लड़ रहा हूं और देश का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा कछुआद्वीप जैसे एक टापू को मुफ्त में श्रीलंका को दे देना, अपने देश की जिस लड़ाई लड़कर हमने इस देश की आज़ादी हासिल की हो उसको एक किसी को ऐसी फेंक देना और कहना कि मेरे पास समय नहीं है इसके ऊपर डिस्कशन करने का, मैं ऐसी चीज़ों में अपना समय वेस्ट नहीं करना पसंद करता। तो मुझे लगता है पी चिदम्बरम जी को आज ये जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने इतना बड़ा देश के साथ पाप अन्याय किया और कांग्रेस अब तक चुप क्यों रही। जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग लापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था, भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है, अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। और बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नलिन, पंकज बोल रहा हूं मैं, जरा ये बताएं, अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री का भी इन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा बीजेपी की मंशा है कि उन्होंने साथ साथ ये भी शक जाहिर किया कि अब उनके घर में आप आतिशी के घर में भेजेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को और फिर उन्हें गिरफ्तार करेंगे, ना सिर्फ उन्हें बल्कि दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज को। नलिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप बोलिए, जवाब दीजिए सर। हाँ, तो मैं कह रहा था इस देश में पहले जो है एक संस्था थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो ड्रामा सिखाती थी, दूसरा उसके बाद अगर कोई राजनीतिक दल उसके सामने आता है तो वह है आम आदमी पार्टी। और ये उनका खुलासा है, खड़े हो जाओ कुछ भी कह दो, झूठ बोल दो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिट एंड रन टैक्टिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लीजिए ताकि फिर मीडिया में आप प्रासंगिक हो जाए, फिर कह दीजिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारे घर आने वाला, ये खुलासा है। अरे कल की न्यूज रिपोर्ट है जिसमें उनके नेता, इनके स्वामी जो है राजनीतिक स्वामी, आम आदमी पार्टी के मुखिया
अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री शायद ये बताए थे मुझसे तो कोई मिलता नहीं था, आतिशी जी से मिलता था, सौरभ जी से मिलता था, कई और नाम लिए होंगे भाई। उन्होंने अगर ये बताया है, मनीष जी ने अगर ये बताया या किसी और ने बताया, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है घोटाले पे, हो सकता है आ सकती है, हो सकता है वो ना आए, ये तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बताएगा। लेकिन सीधा प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी पे कर लीजिए, क्योंकि प्रासंगिक बात एक ही है, आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब, आम आदमी पार्टी समझ गई है कि इधर उधर बातें करेगी तो कोई उनको न्यायालय से भी कुछ नहीं मिलने वाला, न्यायालय कानून पे चलेगा, न्यायालय देखेगा भाई क्या सबूत है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। इसीलिए दो मंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी के आदेश और निर्देश के अनुसार काम कर रहे थे जी। वो जेल में बेल नहीं मिल रही, केजरीवाल जी ने इधर उधर की बातें की वो भी अब जेल और हिरासत में है। अब थोड़ी ना कोई मुख्यमंत्री कह सकता है मुझे याद नहीं मुझे पता नहीं, अगर कोई मुख्यमंत्री कहेगा मुझे याद नहीं मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ, तो फिर उसका ये हुआ कि उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए क्योंकि वो काम बिल्कुल जानते नहीं है या काम करना जानते नहीं। दूसरी बात, अगर दूसरे रूप से देखा जाए तो उन्हीं के आदेश और निर्देश से हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी को पता ना हो, तो घबरा रही है आम आदमी पार्टी, इसीलिए बेतुकी बातें कर रहे हैं वो ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका नलिन कोहली। तो आपको बता दें कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया है।